रेल यात्रीदेर निरापत्ता बा खावा दावा संक्रांत कोनो विषये जाते अभियोग ना थाके सेई दिके विशेष नजरदारिर व्यवस्था करछे पूर्व रेल कर्तृपक्ष। सम्प्रति पूर्व रेलेर तरफ थेके यात्री सुरक्षा एवं निरापत्ता निये गत एक पक्षकाल धरे आयोजित हयेछिल रेल यात्री उपभोक्ता पक्ष। এই সময়ে বাজার স্টেশন সহ নানা জায়গায় ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 25 मई को जब मिले थे उस दिन हम लोगों ने एक संरक्षा चेतना अभियान को फ्लैग ऑफ करके यहाँ तक छोड़ा था और वो पूरे 15 दिन काम किया। इस बीच में 3 तारीख को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे भी था, तो हम लोगों ने उस डे को एक दिन ना मना के वर्चुअली पूरे 15 दिन मनाया। इसमें सेफ्टी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे उसके अलावा आरपीएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट्स एवं गाइड्स, इन सभी ने हिस्सा लिया। रेलवे की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, जिसमें स्टेट पुलिस शामिल थी, तहसीलदार शामिल थे, जो BDOs हैं वो शामिल थे, ग्राम पंचायत के प्रधान शामिल थे, जो स्कूल्स हैं वो शामिल थे और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा काफी NGO ने भी इसमें भाग लिया। एभावे प्लैटफर्म चत्वर नोंगरा करछेन केन? গোটা দেশ পরিচ্ছন্নতার পথে হাঁটছে তা কি আপনারা জানেন না? 1989 এর রেলওয়ে আইন এবং 2012 সালের রেলওয়ে নিয়ম অনুযায়ী রেল চত্বর অপরিচ্ছন্ন করলে আপনার 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। নিজেকে পাল্টান, রেল চত্বর পরিষ্কার রাখুন। मैन लेवल क्रॉसिंग पर इन्होंने चेतना अभियान किया और सारे के सारे इस रेलवे में सिर्फ 97 अनमैन लेवल क्रॉसिंग हैं, वो सारे के सारे इस याद में कवर किए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे सबसे ज़्यादा असुरक्षा की जो रहता है खतरा, वो रहता है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग जो है ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। दाना की करছেন আপনি? लेवल क्रॉसिंग गेट बंध থাকার সময় এভাবে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছেন কেন? একটা ট্রেন আপনার চোখের পলক ফেলার আগে 15 মিটার এগিয়ে যেতে পারে। 1989 রেলওয়ে আইনের 160 ধারা অনুযায়ী বন্ধ লেভেল ক্রসিং পার হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। সাবধান হন, নিরাপদে লেভেল ক্রসিং পার করুন, সময়ের চেয়ে জীবনের দাম বেশি। जो समस्याएं जो सुनने को मिली उसमें जो सबर्बन सेक्शन में है, 2 तरह की समस्याएं थी। एक के गाड़ियां समय पर चले और दूसरा जो है वो के जो अभी 9 कार की रेख हैं उनको 12 कार में कन्वर्ट किया जाए, ताकि ये जल्द से जल्द जो अभी इतनी भीड़ की समस्या है उसको खत्म किया जा सके। दादा प्रचंड गरम पड़े तई ना? আপনারা কোথা থেকে? আমরা নর্থ কলকাতা। নর্থ কলকাতা থেকে। দাদা প্রচন্ড তো গরম, চলবে না? দেখলেন তো, এই ঘটনার শিকার হতে পারেন আপনিও। অপরিচিত যাত্রীকে সরাসরি না বলতে শিখুন, সুস্থ শরীরে নিরাপদে রেল সফর করুন। इसके बारे में मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इसके ऊपर एक्शन प्लान सोचा है और अभी इसको कार्यान्वित करेंगे, वो ये है कि हम कुछ सेक्शन से में और 9 से 12 कोच करने जा रहे हैं और जो अगला टाइम टेबल आएगा उसमें लोगों उसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होगा, क्योंकि अभी कुछ ये समस्या हो रही है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में हम 12 कोच की रेट इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशन या तो नहीं हुआ है या फिर करने की बात रही ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, उसकी वजह से और दूसरे सेक्शन भी रह जा रहे हैं। तो हम उसको थोड़ा रैशनलाइज करके और उनको देखेंगे कि जहाँ जहाँ हम 9 से 12 कर सकते हैं वहाँ कर दिया जाएगा और उसमें हो सकता है कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों को रीशेड्यूल करनी पड़े, उसका जो है पूरा प्रक्रिया है वो जो शुरू करेंगे। दूसरा जो पंक्चुअलिटी के जहां तक सवाल है उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये इंटरेक्शंस के दौरान भी लोगों से सुनने को मिला कि वो हर एक आदमी जो रेल रोको को आए दिन होते हैं उससे बहुत परेशान है। দেখছেন তো রেল অবরোধ করলে আপনার মতো কত যাত্রীর কি অসুবিধা হয়। যে দাবিতে আপনি রেল অবরোধ করছেন তা কি রেলের সঙ্গে সম্পর্কিত? তাহলে অকারণে অসংখ্য যাত্রীর সময় নষ্ট করছেন কেন? ১৯৮৯ রেলওয়ে আইনের ১৭৪ ধারা অনুযায়ী রেল অবরোধ করলে আপনার ২ বছর জেল এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সচেতন হন, ভারতীয় রেল দেশের লাইফ লাইন, তাকে নিজের পথে চলতে দিন। तो बाकी जो दो तीन और जो पुरानी समस्याएं थी उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि फीडबैक बहुत ही अच्छी है और हम लोगों को जो खाने की जो शिकायत पहले जनरली मिलती थी वो अभी खाने की शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कुछ सुझाव जरूर आए हैं और उसमें से कुछ सुझाव हम लोगों ने एक आध तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। जैसे कि वो फिश मील की वो थी क्या नाम डिमांड थी राजधानी में शुरू करने की, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। দেখলেন তো এই প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন না। অন্যের টিকিটে ভ্রমণ করলে আপনার 3 মাস জেল এবং 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সম্মানের সঙ্গে রেল সফর করুন।